नमस्कार आदाब शस्त्रेखाल और खुशामदीद सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल दिस इज मास्टर टीचर हर्ष प्रियम आई लाइव इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू तो कैसे हो मेरे बच्चों और कैसी चल रही है जिंदगी हाय टू एवरीवन हाय 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 जतिन जी आप नए हैं सच में कब से पता नहीं चला यार मुझे ब्रांड न्यू हो क्या सो गुड इवनिंग टू एवरी यार बोर्ड का लगता है ओरिएंटेशन थोड़ा सा गड़बड़ है एक सेकेंड रुको मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूँ आप लोग कैसे हो जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में ऑल गुड ऑल ग्रेट कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं बैठा एक सेकेंड अबे ठीक हो जा जाए हाँ अभी सही है क्या? नहीं नहीं सही है। हाँ, अभी सही है। हाँ, अभी अभी होगा। सब कुछ सही है जल्दी से बता दो ऑल गुड हाँ जी तो सारे लोग कैसे हो तुम लोग शानदार जिंदाबाद जबरदस्त फर्स्ट क्लास अरे वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ द सेशन है या पहला सेशन है उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत, बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत तो आप लोग कैसे हैं सब बढ़िया शानदार झकास हैं, अरे गजब सानवी जी वेरी गुड चलो यार तो मैं भी थोड़ा झकास हो जाता हूँ ए चालू कर लेता हूँ और पढ़ाना शुरू करता हूं तो सारे लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं जनता तैयार है पढ़ने में आर यू गाइज इंटरेस्टेड क्या बोलती है जनता आर यू गाइज इंटरेस्टेड नहीं क्या बात कर रहे हो पेपर आ रहा है भाई पेपर आ रहा है मेंटी हाँ मेंटी है मेंटी है तो कितने पैसे पे चल रहे थे तुम लोग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कितने पे थे uh, कुछ तो हुआ था पिछले सेशन में रुक जा भाई कितना हुआ था एक तीन सौ बीस रुपये था ना हाँ मुझे भी ये याद है थ्री ट्वेंटी कुछ बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था तुम लोग हाँ याद आया याद आया याद आया यस 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 आई डू रिमेंबर बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिए थे आप लोग और उसके बाद थ्री ट्वेंटी हो गया था हाँ 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 याद आया याद याद आया, यादा आया। चलिए तो तीन सौ बीस रुपए आप लोग कमा चुके हैं दैट्स ग्रेट बहुत ही बढ़िया बात है तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन आज का सेशन हमारा किस पे है तो आज का सेशन है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल आज ये सेशन खत्म हो जाएगा थियोरिटिकली इसके बाद बस एक इसका वन शॉट बचेगा तो वन शॉट आज हम लोग करेंगे ये क्या हो गया हमारा pen, अच्छा हमारा पेन अच्छा हाँ जी ये रहा पेन तो शुरू करते हैं ये रहा शेड्यूल आपका पूरे हफ्ते का तो पूरे हफ्ते का मंडे सेशन हो गया ट्यूसडे हो रहा है वेडनसडे को शाम को तीन बजे होगा बहुत सारे बच्चों का टाइम डिमांड था कि सर टाइम चेंज कीजिए तो हमने सोचा चलो एक एक्सपेरिमेंट ही करके देख लेते हैं थोड़ा सा समय बदल के देखते हैं देखते हैं कि इससे कुछ असर हो रहा है क्या तो हेंस ट्यूसडे आज शाम चार बजे वेडनसडे को तीन बजे थर्सडे तीन बजे फ्राइडे तीन बजे सैटरडे सॉरी फ्राइडे ही छह बजे तो तीन बजे और छह बजे उस दिन दो दिन आएंगे ठीक है चलिए सर वॉइस स्लो आ रही है अंजलि सिंह बेटा वॉइस को ऐसा करो कि सुबह सुबह जब उठती हो तो थोड़ा सा गले में गर्म पानी पिया करो वॉइस अच्छी आएगी तुम्हारी तो जो भी दिक्कत है वॉइस अगर स्लो आ रही है तो तुम्हारी थोड़ा सा गर्म पानी पिया करो शहद डाल के वॉइस अच्छी आने लगेगी डोंट वरी ठीक है और बाकी ज़्यादा दिक्कत रहती है डॉक्टर को दिखा लो बेटा टुडे वॉज योर मैथ <laughs> यार तो वो बोल रही है ना तुम लोग लाल लॉल क्यों लिख रहे हो वो बोल रही है ना सर वॉइस इज लो सर तो मैंने उसको वॉइस लो का उपाय बता दिया उस बेचारी का वॉइस लो है तो उसको मदद तो करनी पड़ेगी ना चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन तुम लोग पता नहीं क्यों लॉल लिख रहे हो अरे मैंने उसकी मदद की है भाई तुम लोगों को मजाक लग रहा है बेटा आयुषी ये लोग की बातों पे टेंशन नहीं लेने का तू अपने गले का इलाज करवा बेटा मेरी दुआएं तेरे साथ हैं ठीक है थीके? चलो आगे बढ़ते हैं तो ये रहा होमवर्क का सवाल तो होमवर्क का सवाल जल्दी से बताइए कितने लोगों ने सही सॉल्व किया था <laughs> जल्दी से बताओ होमवर्क का क्वेश्चन कितने लोगों ने सही, किया, सही किया था लॉल हो गया अच्छा सही सॉल्व किया था गजब आंसर आया कितना था आंसर बताओ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 आर्क ये तो जाना पहचाना सवाल लग रहा है, है?

एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड एरिया ऑफ द सेक्टर भी आ जाएगा यार थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर तो उससे एरिया भी निकाल लोगे एरिया कितना आया एरिया कितना आया आप लोगों का एरिया आया होगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाईस बटा सात रेडियस स्क्वायर मतलब इक्कीस इंटू इक्कीस आया सबका टू थर्टी वन जनता कह रही है ठीक है इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा टू थर्टी वन आ जाएगा बिल्कुल सही बात क्या बात है तेज हो गया तुम लोग तो आंसर तो बड़ा सिंपल था यार 22 और 231 ठीक बात सर आप जोक क्यों करते हो मैं जोक मैंने जोक कहा ईमानदारी मैं, मैं से बताओ मैंने आज तक कभी मजाक किया है मैं मजाक करते हैं इतना सीरियस टीचर हूं यार हमेशा सिर्फ पढ़ाता हूं बताओ एक भी बातें मैंने इधर उधर की आज तक की हो तो बता दो कोई जोक मारा कभी क्लास में एकदम टू द पॉइंट बातें तब देखो सारे बच्चे बोल रहे नहीं सर नहीं सर मैं कभी मजाक नहीं करता बेटा एकदम डैम सीरियस पढ़ाता हूं मैं मजाक मैं बचपन से नहीं किया मैंने चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन तो ये है होमवर्क रॉकर्स इन लोगों के लिए तालियां हो जाए वेरी गुड फैंटास्टिक मोक्षद पाटिल ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट वेरी गुड मोक्षद आंसर इनका सही है 22 और 231 स्नेहा सिंह दूसरे नंबर पे है इनके लिए भी तालियां हो जाए इनका भी आंसर सही है और तीसरे नंबर पे है अंजलि चौधरी अरे ये तो वही अंजलि है जिसने बोला कि वॉइस लो आ रही है बेटा अंजलि नहीं आयुषी थी वो सॉरी 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 ये अंजलि है वो आयुषी थी <coughs> वेरी सॉरी तो अंजलि चौधरी जी आपके लिए भी तालियां हो जाए ये तीसरे नंबर पे ये दूसरे नंबर पे और ये पहले नंबर पे ठीक बात बहुत बढ़िया हाँ अब आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन तो अब हम लोग शुरू करते हैं मेंटी तो बेटा मेंटी शुरू करने के पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनलवा को सब्सक्राइब नहीं किया है ना वो सकब्सक्राइब कर दो बहुत जरूरी है सकस्क्राइब करोगे ना तो सब्सक्राइब से तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी धन धान्य आएगा लक्ष्मी माता का निवास होगा तो सकब्सक्राइब कर देना वेरी इंपॉर्टेंट है सकस्क्राइब कर दो सारे वही सब्सक्राइब सरसक्राइब जो भी होता है वो कर दो चैनलवा को सरसक्राइब कर दोगे तो इम्पोर्टेंट है सरप्राइज करो लोग <laughs> सरप्राइज नहीं बेटा सरप्राइज तुम्हें क्या लगती है मेरी अंग्रेजी खराब है बहुत अच्छी अंग्रेजी है बस इसको थोड़ा बोलने में लड़खड़ा आ जाता हूँ बाकी बाकी अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी है यू ऑल नो ना आई एंड बॉट अप इन हैंडन है नहीं तो तो जल्दी से सब्सक्राइब सब सकपर... सब्सक्राइब कर दोस्क्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना जल्दी से और जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं लाइक किया हिट दैट लाइक बटन एज वेल well. हाँ जी चलिए शुरू करें मेंटी बट विड, अच्छा यार वीडियो लाइक करो यार पहले वीडियो, रुक जाओ रुक जाओ टू सेवेंटी वन है लेट मी सी द काउंट टू सिक्स वेरी गुड धन्यवाद 286 से 298 बहुत बहुत धन्यवाद क्या बात है 298 से 323 बहुत बहुत धन्यवाद फैंटास्टिक 323 से 345 ओहो हो हो 345 से 359 ओ शानदार बहुत बढ़िया बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत 359 से 375 तेजी से ऊपर जा रहा है 375 से 383 383 से क्या बात है 391 391 से अब बस 400 क्रॉस करेगा 400 क्या बात है और नाउ इट विल रीच टू 400 प्लस तो चलिए शुरू करते हैं उसमें जाने से पहले आप लोग सारे लोग मेंटी कोड ले ही चुके हैं मैं आपको मेंटी भी दिखाई देता हूं वेरी गुड क्या हो गया रुत्वी क्यों गुस्सा कर रही है एट नाइन जीरो सिक्स फाइव डबल फोर एट नाइन जीरो सिक्स फाइव डबल फोर ये है मेंटी कोड मेंटी कोडवा यही है इसको खटाक खटाक डालो अंदर जल्दी से समझे कि ना ही समझे ये है मेंटी कोडवा जल्दी से मेंटी लगाइए और चलिए खेलते हैं सब्सक्राइब कर दिया वेरी वेरी गुड गुड बेटा बहुत बढ़िया सर आप मोटे हो गए कैसी बातें कर रहे हो इतना पतला इंसान पूरे वेदांतों में इतना पतला टीचर एक टीचर हो तो बता दो दूर दूर तक गांव गांव में पूछ लो इतना पतला टीचर कोई होगा नहीं बात है साफ चलिए शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर वी गो पहला सवाल आने के लिए तड़प रहा होगा हाँ बिल्कुल सारे लोग जल्दी से अपना नाम पता डाल दीजिए इसमें वेरी इंपॉर्टेंट अमृत सर हैं अरे यार वो बेचारा देखो यार मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं माल न्यूट्रिशन नहीं बोल रहा अब यार मतलब अरे बाप रे नहीं 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 भाई उसके बारे में नहीं बोलूँगा नहीं फिर गुस्सा कर जाएगा सॉरी 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 मैं, मैं ये 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 वचन मैं वापस लेता हूँ सॉरी वेरी वेरी सॉरी भाई साहब फिर नहीं तो फिर मैं क्या कहते हैं वो गुस्सा हो जाएगा फिर लड़ाई करेगा नहीं भैया नहीं ये ये शब्द वापस लिए जाते हैं इस इस शब्द का कोई भी उपयोग कहीं पे किसी भी तरीके से गैर कानूनी होगा और इसका कोई भी वीडियो बनाया जाना पूरी तरह से जघन्य अपराध होगा तो ऐसा बिल्कुल कोई कुछ नहीं करेगा भाई साहब नहीं तो फिर मेरी लंका लग जाएगी नहीं भैया वो बहुत गुस्सा करता है ना गलती से हुआ है गलती से हुआ मैं फिर बता रहा हूं कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करोगे तुम लोग चलिए शुरू करें चलिए शुरू करते हैं फिर लेट्स लेट्स गेट इन टू द क्वेश्चन सो हे बी गो पहला सवाल सारे लोग देख लीजिए ध्यान से पहला सवाल आपके लिए ये रहा तो सारे लोग पहला सवाल कहता है सर्कुलर पार्क हैज पाथ Of uniform width around it. तो एक circular path है और इसके अराउंड पाथ है मतलब ये वाला पाथ जो ये वाला पार्ट है और यूनिफॉर्म विथ है सर्कुलर पाथ इज वन थर्टी टू मीटर इट्स विथ इज तो width को अगर आप D मानोगे तो आपको ये डी बताना है अब ध्यान से देखो आपको करना क्या है आपको आपको दिया हुआ है इनर सर्कमफेरेंस आउटर और इनर का डिफरेंस दिया हुआ है तो अगर बाहर वाले को R1 मानते हो और अंदर वाले को R2 मानते हो तो आपको दिया हुआ है टू पाई आर वन माइनस सॉरी टू पाई आर वन माइनस टू पाई आर टू इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है वन थर्टी टू और आपसे बोला है डिस्टेंस डी बताइए आप कॉमन सेंस लगाइए और सही जवाब बताइए बस यही है खेल सिंपल सा है ज्यादा टफ नहीं है सही सही बताइएगा आईओ क्यूएम में फोड़ूंगा रजिस्टर्ड ड्रीम आईएसआई वेरी गुड बेटा वेरी गुड एकदम फोड़ना है पक्के से आई एस आई फोड़ना है और फिर आईएसआई भी तू फोड़ेगा मेरे को पता है अच्छे से तैयारी कर आईओ का और आग लगा देना है आईओ मत छोड़िए बेटा योर टीचिंग इज जस्ट अमेजिंग अच्छा दैट्स ग्रेट धन्यवाद शुरू करें बढ़े आगे मैं मेंटी शुरू कर दूं मेंटी के लिए बताओ भाई हाँ ना लिखो स्टार्ट अगर शुरू कर दूं तो मतलब करने के लिए रेडी हो तो लिखो स्टार्ट चलो भैया तो शुरू करते हैं फिर ये रहा मेंटी का सवाल सारे लोग ध्यान से देखना और सही जवाब देना हियर वी गो पहला सवाल तो एवरीवन जस्ट लुक इनटू दिस जस्ट लुक इनटू दिस जल्दी से सही सही जवाब देना ताकि कुछ भी गलत ना हो जल्दी जल्दी जवाब दो। ऑन पीपल डू इट फास्ट ओके तब तक मैं भी सॉल्व कर दूं क्या मोर देन थ्री सेवेंटी हैव answered. सर पानी पिला दो मैं क्या कह रहा वो पानी पिलाने वाला लगता हूँ मैं खुद पानी पीता हूँ किसी और को नहीं पिलाता हूँ और ऐसे फिर मैं पानी पिलाने पे उतर रहा आऊँ तो फिर अलग बात है चलो भाई देखें जरा आंसर क्या है यार बहुत ही सिंपल था डिस्टेंस जो डी है ना आपको निकालना है वो डी डिस्टेंस क्या होगा आर वन माइनस आर टू बड़ा में से छोटा माइनस कर दो बड़े रेडियस में से छोटा माइनस कर दो तो आर वन माइनस आर टू करोगे अब ये ये वन थर्टी टू दिया हुआ है वन थर्टी टू यहाँ से टू पाई कॉमन आ जाएगा तो टू पाई का मतलब ट्वेंटी टू बाई सेवन और इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा आपसे यही पूछा गया यह टू विल कैंसिल्वेंटी वन तो आंसर आ गया ट्वेंटी बस इतना ही सिंपल तो था इजी नहीं था जल्दी ईमानदारी से बताओ ओ ले अरे ले ले, ले, ले मेरा बच्चा बहुत मारूंगा ये क्या है ये क्या है कब तक किस उम्र तक बचपना करोगे मतलब ये और ये कहीं दूर दूर तक समझ नहीं आया एक तरफ तो तुम बोल रहे हो हलवा था तो ये क्या था ये क्या मतलब पानी पानीपुड़ी था क्या था ये हलवा के सामने ये कैसे कहाँ से आते हैं ये बच्चे कौन है ये फोर्टी वन परसेंट इधर फिफ्टी इधर फोर्टी वन अगर दोनों साथ हो जाते ये सीरी मिस्टेक वाले नलायक सब इधर आ जाते तो तुम सौ रुपये जीत सकते थे अभी तुम्हारा गया बीस रुपये तीन सौ बीस लेकर आए थे बीस रुपये इसमें कट गए तीन सौ रुपये हो गए बी था भाई इतना सिंपल तो क्वेश्चन था पता नहीं कैसे गलती कर दी बट एनी बढ़ते हैं आगे सबको समझ में आया ये सवाल कैसे सॉल्व होगा जल्दी बताओ या ना नहीं सर तो कटे अब और क्या कर सकते हैं एकांश बैक ऑन लीडर बोर्ड अगेन अच्छा वेरी गुड हाय पप्पा मेरे कितने बच्चे घूम रहे हैं दुनिया में लाइक मुझे तो पता होना चाहिए कम से कम मतलब मेरे कहां कहां कितने कितने कैसे पता करवाऊँ अच्छा मोदी जी को बोलता हूँ आधार का डेटा दे, दे दे मेरे को थोड़ा आधार वाले डेटा से जहां जहां फादर्स नेम हर्ष प्रियम होगा सबको बुलवा ही लेता हूं अपने पास नहीं मतलब एक बार मिल ही लेता हूँ बेटा आओ तुम बैंगलोर आओ खिलाऊंगा पिलाऊंगा अच्छे से आओ टेड शुराइक बादल कृष्णा सोनी लव यू योर बेस्ट लव यू योर बेस्ट ओके थैंक्स लॉट उसके बाद नीलेश मधेशिया नीलेश मधेशिया आरजू आकांक्षा सर आशीर्वाद अरे बेटा आकांक्षा हमेशा आशीर्वाद पूरा पूरा आ, कार्तिक पांडे धन्यवाद अरे वाह तुम्हें पता है तुम लोगों का नाम लेते लेते भैया मेरे ले लिए चाय ले आए थैंक्स लॉर्ड भैया देख रहे हो सेशन में चाय का मज़ा हाँ 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 ऑफिस में ये सब फ़ायदे बहुत हैं घर पे ऐसे चाय नहीं मिलता घर पे पानी पी पी के पढ़ाना पड़ता है इसीलिए मैं ऑफ़िस आ जाता तुम लोग भी आओ ऑफिस चाय पिलाऊंगा मज़ेदार तरीके से हूँ चल भाई आगे बढ़ते हैं तो अब अगला सवाल देखते हैं सारे लोग हाँ भाई चाय आ गई गले को बहुत आराम मिल जाता है तो अब अगर ये सबको समझ में आ गया सिंपल सा सोल्यूशन है यहां पे वही सेम चीज जो मैंने की है वो भी यहां, वही यहाँ पे भी लिखी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज दिस इन द फिगर द शेडेड एरिया इज तो फिगर में शेडेड एरिया कितना है ये जरा बताओ ये वाले में मेरे में मत बताने लगना नहीं मैंने सोचा कि मैं अपना मैं ही देखो ये तो वाइट पोर्शन है तो शेडेड पोर्शन ये है यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक लेकिन इतना तुम बता नहीं पाओगे छोड़ो हटाओ तुम यही बता दो इतने में ही पास कर दूंगा ये बता लिए तो मतलब पैसे भी दे दूंगा सर आप स्मार्ट हो बहुत अरे यार श्रीवास्तव जी धन्यवाद दिल जीत लेती हैं आप इस बात इन बातों से चलिए जल्दी जल्दी सही आंसर बताइए और फिर आंसर जब आ जाए तो मुझे बताइएगा कि हाँ सर शुरू कर सकते हैं अब यार सोच रहा हूं चाय एक अच्छे आवाज के साथ पिया जाए लाइक अरे आंसर ऊंसर में क्या रखा हुआ यार रुको देखो चाय पीने का असली मजा सुडुक सुडुक ऐसे ऐसे सीखो हाँ 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 तुम लोग कुछ बोल रहे हो अच्छा रेडियस रेडियस कुछ बोल रहे हो रुको रुको फाइंड द शेडेड एरिया रेडियस नहीं दिया हुआ है ये तो चोट हो गया रेडियस अच्छा रुको देखिए जरा रेडियस दिया हुआ है क्या यहाँ पे ला 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 आ आ आ, आ, आ। हाँ रेडियस दिया तो हुआ है तो मैं मैं तुम्हें बता देता हूँ रेडियस दस मानो बेटा रेडियस को टेन ले लो रेडियस टेन रेडियस दे दिया भाई दे दिया दे दिया टेन है टेन है रेडियस सही है ना बाद में पोपट मत करा देना थीटा, आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हाँ सही दिख रहा है अभी तक तो सही दिख रहा है हाँ बेटा रेडियस टेन है रेडियस को टेन ले लो रेडियस टेन सारे लोग रेडियस को दस लीजिए और जब बन जाए तो मुझे बताइए बाकी लोग फ्रेंड्स चाय पी लो मेरे साथ चाय पी लो नहीं यार अब आवाज़ नहीं निकालूंगा नहीं तो पता चला मेरा मेरा भी वीडियो कट के आ जाएगा हमारे गंवार हर सर जो चाय पीते हैं तो सुडुक सुडुक होता है चलो खैर जल्दी शुरू करें रेडी हो तो बता देना स्टार्ट करने के लिए मैं शुरू कर लूंगा डन स्टार्ट करो पक्का देख लो भाई 90 डिग्री है थीटा जो है यहां पे. थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है रेडियस 10 था आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं मनन मनन तुमने काम ही ऐसा किया है तुम क्यों वो तुम्हारे घर के पीछे जो रहती थी उसके साथ क्यों भाग गए तुम तुम्हारे पिताजी आए थे हमारे पास ऐसा अब काम करोगे तो मैं तुम्हें, तुम्हें क्यों बात करूंगा भाई इग्नोर तो करूंगा ही ना तो मनन भाई मैं आपको इसलिए इग्नोर करूँ क्योंकि आप भाग गए हो किसी और के साथ वापस घर लौट आओ उस लड़की को अपने घर पर छोड़ो और पिताजी के साथ मिलकर उनसे लाठी खाओ तब मैं तुमसे बात करूँगा नहीं तो तब तक मैं तुमको इग्नोर ही करूँगा ठीक है चलो उल्टे सीधे हरकत क्यों करते हो हैं? लड़की भगाना अच्छी बात है चलिए शुरू करते हैं लेट्स मूव ऑन दूसरा सवाल सारे लोग ध्यान से हाँ सही सही आंसर बताइएगा बिल्कुल तेजी से अब यार ऐसे ऐसे बातें बोल बोलता है बच्चा तो मैं क्या ही बोलूँ सर आप मुझे इग्नोर क्यों करो अरे मैं क्यों इग्नोर करूंगा यार कैसी बातें कर रहा है मतलब मुझे क्या है तेरे को इग्नोर करने की भाई बहुत सारे बच्चे हैं सबका नाम ले पाना नहीं मुमकिन है सबके चैट्स पढ़ पाना मुमकिन नहीं है सारे लोग जल्दी जल्दी सही आंसर लगाना भाई पता नहीं तुम में से कितनों को फॉर्मूला पता है नहीं पता है तो मैं बता देता हूं देखो भाई आ जाओ इधर इसका जो एरिया होगा ये एरिया ऑफ सेक्टर है <coughs> और एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो थीटा बाई थ्री सिक्सटी क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर सॉरी सेगमेंट है ये एरिया ऑफ सेगमेंट तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई थ्री सिक्स पाई आर स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू 90 डिग्री है ना तो नाइनटी डिग्री है तो बेस इंटू हाइट मतलब और कुछ नहीं करना था तो थीटा पे 90 आ जाएगा, आपको सोल्व करना है तो नाइनटी बाई थ्री सिक्सटी वन फोर्थ मतलब पाई आर स्क्वायर बाई फोर पाई आर स्क्वायर बाई फोर माइनस आर स्कवायर बाई टू बस आपको इतना सॉल्व करना था आर स्क्वायर कॉमन निकाल दो आर स्क्वायर बाई फोर और आर स्क्वायर बाई फोर जैसे ही कॉमन निकालोगे यहाँ पे बनेगा पाई माइनस टू बस सिंपल और क्या चाहिए कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए अब आप इसको सॉल्व कर दोन का स्क्वायर हंड्रेड हंड्रेड बाई फोर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू बी इज द आंसर इतना सिंपल था सिंपल था नहीं था जल्दी बताओ इस बार फिर से लुढ़के में लगता है तीन सौ दस हाँ भाई 80 परसेंट से भी कम है क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो मिश्रा जी ऐसे कैसे काम चलेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसी बातें कर रहे हो हलवा था ना यार ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन था सेवेंटी सिक्स परसेंट बच्चे सही हुए हैं फिर से आपके बीस रुपए गए थ्री ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टू एटी रुपीज आप कौन रॉन्ग कर रहा है पता नहीं मुझे नहीं पता चलो अब ये बताओ अब ये बताओ कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको जल्दी से बताओ हाँ या ना आपको इसका एरिया निकालना था ये एरिया ऑफ सेगमेंट होगा फार्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल समझ आया सबको बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार तो इतना सिंपल था आपको बस वैल्यू पुट करनी थी थीटा दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है बस ये फार्मूला लगाना है फार्मूला लगा के सॉल्व करना है आंसर आ जाएगा नहीं था सिंपल बस आंसर आ गया अगर और डिटेल सल्यूशन चाहते हो तो ये है बढ़े आगे जल्दी बताओ सबको सबको इस एकदम ईमानदारी से बताओ आगे बढ़े सबको समझ में आया कि क्या किया है मैंने हाँ hmm. एकांश बैक ऑन लीडर बोर्ड ना कृष्णा सोनी अच्छा देख रहो हमसे प्यार करने का नतीजा बुलंदियों पे है लड़का नीलेष रक्षित थिन यूर फेदर ओह ओह रक्षित जी बहुत बहुत धन्यवाद आयुष राज निकुंज याद हूं क्या सर हाँ निकुंज जी बिल्कुल याद है एकांश बैक मयंक सिंह एस सी आर टेन क्षितज अग्रवाल फ्रॉम पीडब्ल्यू अच्छा सही में उधर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं क्या नहीं मतलब ठीक है हम दूसरे टीचर को रोस्ट नहीं करना चाहिए तो ठीक है बट चलो अच्छा है हमारी ख्याति काफ़ी दूर दूर तक पहुंच गई है अच्छा है अच्छा है हाँ भाई और भी कहीं से हैं तो आ जाइए दिन वो दूर नहीं जब यहाँ पे छितेज अग्रवाल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मयंक सिंह फ्रॉम पी मिनिस्ट्री एकांश मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट नेताजी लोग भी आएंगे जल्दी ही दिन वो दूर नहीं माही शेख पहले मुर्गी आया या अंडा वाह माही जी हम आपके इस सवाल के लिए आपको सलाम करते हैं और हम इसके लिए आपका नाम आगे भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करते हैं क्योंकि आप वो पहली इंसान हैं जो ये सोच पाई कि ये सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा तो हम तो कहते हैं दोनों को फोड़ के देखिए एक बार मुर्गी को फोड़ के देखिए उसमें से अंडा आता है कि नहीं और अंडे को भी फोड़ के देखिए उसमें से मुर्गी आती है कि नहीं जो आ गई वो पहले सिंपल प्रियांशी चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो सारे लोग जरा ध्यान से देखो भाई हाँ जी तो ये तो हो गया इसका आंसर अब अगला सवाल ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर इज वन दैट ऑफ द कंप्लीट सर्कल तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये जो सर्कल है इसमें कोई एक सेक्टर काटा गया ये थीटा वाला रेडियस आर इसका जो एरिया है ये वन ट्वेल्थ ऑफ पाई आर स्क्वायर है मतलब एरिया ऑफ सर्कल है तो फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा बताना है और ये एरिया ऑफ सेक्टर तो सारे जानते हैं थीटा बाई थ्री सिक्सटी इन टू पाई आर स्क्वायर यार इसमें ना मेरे को तो लगता है तुमको नाइनटी नाइन परसेंट लाना चाहिए मतलब इससे ज्यादा आसान तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता मैंने तो सब लिख दिया लविंग यू इज अ लूजिंग गेम है कैसी बातें कर रहे हो नहीं बेटा मेरे को प्यार करोगे बहुत पैसे मिलेंगे चलिए टुडे इज माय मैथ एग्जाम अच्छी बात है शुरू करें सारे लोग तैयार हैं मेंटी शुरू करूं जल्दी बताओ हाँ ना स्टार्ट लिख दो स्टार्ट लिख दो टॉक टू मी एजे यार ये सब सर्विसेज यहाँ भी चालू हो गई हैं क्या कि मन ना लगे तो मुझे फ़ोन लगाएं यार बेटा वो सब ट्रेन वाली सर्विस मतलब ये क्लास है पढ़ाई की क्लासेस है यहां पे ये सब नहीं ये बच्चा लिख रहा है मन ना लगे तो मुझसे बातें करें गजब हाल है भाई चलिए शुरू कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन सारे लोग ध्यान से क्वेश्चन ये रहा डोंट स्टार्ट शुरू कर दिया भाई डी लगाओ लूना अच्छा सर यू नो अबाउट बी टी एस बी हाँ BTS एक बताया तो एक लड़का आया था मेरे पिछले सेशन में बोला सर बी इज़ अ न्यू स्टार्टअप बंगाल टॉयलेट सर्विस ऐसा करके बी टी एस स्टैंड फ़ॉर बंगाल टॉयलेट सर्विस मुझे तो यही पता है भाई कि बी टी एस स्टैंड फ़ॉर बंगाल टॉयलेट सर्विस आपको कुछ और पता है तो बता दीजिए सारे लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और सही जवाब दीजिएगा हाँ मतलब तो एक बच्चा ही आया था पिछले सेशन में उसने ही बताया कि सर बी टी एस स्टैंड फॉर बंगाल टॉयलेट सर्विस ठीक है मैंने उसका प्रमोशन भी किया था अपने सेशन में बच्चों को बोला था टॉयलेट वहीं जाना पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कैंसिल टूल्व विल कैंसिल थ्री सिक्सटीन थ्री जीरो थर्टी टाइम्स मतलब थर्टी डिग्री और ये इसको इधर भेजो तो थीटा की वैल्यू बड़े आराम तरीके से थर्टी डिग्री आ जाएगी तो लाइक मुझे नहीं लगता इसमें तो कोई डाउट होना चाहिए थीटा थर्टी डिग्री आंसर इज डी बहुत ही सिंपल था अब देखें इसको कितने लोग सही किए ओ भाई इस बार सही हुए कि इस बार भी नहीं हुए नाइन्टी परसेंट नहीं लग रहा मुश्किल लग रहा है ये हमारे तारे जमी पर कहा हैं लाइक like, फोर्टी फाइव मेरे प्यारे अनमोल वो फोर्टी फाइव बच्चे कहाँ हैं बेटा बाहर आओ अपनी पहचान बताओ दुनिया तुमसे मिलने के लिए उतारू है दुनिया जानना चाहती है कि आप कौन हैं वो अनमोल ये जो इस सवाल में भी गलती कर रहे हैं सच बता रहे हैं और ये दुनिया तहे दिल से आपका स्वागत करने के लिए खुली बाहों से इंतजार कर रही है दोनों हाथों से इंतजार कर रही है अब वो दोनों हाथों में क्या लेके इंतजार कर रही है वो नहीं पता लेकिन दोनों हाथों से आपका इंतजार कर रही है आप एक बार अपनी पहचान बताओ एट्टी नाइन परसेंट तो आपको एक परसेंट से सौ रुपए चूक गए पचास रुपए आपको मिलते हैं दैट्स ग्रेट तो टू एट्टी में फिफ्टी रुपीज एड किया तो थ्री थर्टी रुपीज हुए हैं अच्छी बात है चलिए आप लोग पचास रुपये जीतते हैं तालिया हो जाए बिल्कुल वेरी गुड फेंटेस्टिक बहुत बढ़िया तालिया हो जाए सो so, थ्री थर्टी रुपीज़ अब आपका फाइनल पोजिशन है अभी इसके आगे अब देखते हैं तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो चलिए और देखते हैं मजा आ रहा है सारे लोग जल्दी से चैट बॉक्स में ये बताओ अगली बार नाइन्टी परसेंट बिल्कुल बिल्कुल सर क्लीन शेव करो पढ़ ले बेटा थोड़ा पढ़ ले बड़े आगे पक्का चलिए तो जनता आगे बढ़ना चाहती है अब वन परसेंट कुछ नहीं होता ऐसा नहीं है वन परसेंट पे आपके पचास रुपए गायब हो गए हाँ जी नीलेश मधेशिया कृष्णा रक्षित आयुष निकुंज एकांश आकांक्षा तेजस मुझे फॉर इन लड़की से शादी अच्छा तुम्हें लड़की से शादी करनी है अच्छी बात है बेटा बधाई हो आप लड़की से शादी करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है आप खुश नसीब हैं हार्दिक एम जी गौड़ा हार्दिक एम गौड़ा सॉरी प्रियांशी दैट्स ग्रेट अब आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन अगले सवाल की तरफ सर नाम ले लो शांतानु भाई हमारे पास अपना नाम है हम आपका काहेले तो आंसर बड़ा सिंपल सा हो गया थीटा बाय 360 पाई r2 1/12th ऑफ पाई r2 बड़ा सिंपल पाई r2 पाई r2 गया विल कैंसिल थ्री सिक्सटीन थर्टी टाइम्स और बड़े सिंपल तरीके से आंसर थीटा की वैल्यू थर्टी डिग्री आ गई ये सिंपल था अगला सवाल आगे बढ़ने के लिए तैयार आई एम सर्च किड्स स्टार डिस्टेंस अच्छा बेटा मैं भी यूट्यूबर हूँ सर्च फॉर वेदांतु हर्ष प्रियम सर्च फॉर हर्ष प्रियम प्लीज आप सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भारी वोटों से विजयी बनाएं पढ़ ले थोड़ा हैं अभी से यूट्यूबर बने पड़े हैं आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो मैं हूँ ये सवाल तो नहीं है एरिया रिलेटेड टू सर्कल बाय हर्ष सर हाँ वो तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ अभी बीच में डालने का कोई मतलब नहीं था ख़त्म हो गया क्या क्या बात कर रहे हो नहीं यहाँ तो गोल 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 घूम रहा है हमारे पास छः क्वेश्चन थे ना मिनटी में ये बीच में कैसे ख़त्म हो गया अच्छा रुको आगे देखते हैं इसके आगे क्या है हाँ थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी चलिए पढ़ते हैं तो देखो बेटा ये एरिया ऑफ सर्कल आपको क्या बता रहा है कि आप बचपन में इन इन शेप्स के साथ खेलते थे अब अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो तब तो बहुत अच्छी बात अगर नहीं पढ़ते हो तो आगे चलकर हो सकता है आपको इस शेप का ठेला लगाना पड़े या इस शेप का खिलौना बना के बेचना पड़े या फिर ऐसी कलाकारी करनी पड़े कढ़ाई पेंटिंग इस टाइप का या फिर हो सकता है दरवाज़ा बनाना पड़े तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि अगर आप अच्छा नहीं पढ़ोगे तो इनमें से कोई नौकरी चुननी पड़ सकती है तो दैट इज़ वाई आप अच्छे से पढ़ाई करो तो ये एक मोटिवेशनल स्लाइड है जहाँ पे आपको पूरा पूरा मोटिवेशन दिया गया है कि अगर आप अच्छा नहीं पढ़ते हो तो आगे चल के आपको आइसक्रीम बेचनी पड़ सकती है बच्चों के खिलौने बेचने पड़ सकते हैं या फिर दरवाजे बनाने पड़ सकते हैं ठीक है एरिया ऑफ सर्कल काफी इंफॉर्मेटिव मतलब जिंदगी से जुड़ा हुआ चैप्टर है तो आपको पेज पेज पे सब जिंदगी की बातें पता चलेंगी वेदांतु प्रो लाइफ फाउंडेशन कोर्स इसके बारे में सिंपल सा बस एक इंफॉर्मेशन एक मिनट का कि भैया जो जो बच्चा अभी से आईआईटी और जेई प्रिपेयर करना चाहता है अभी से बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो वैसे तुम में से कितने बच्चे हैं जो अभी से डिसाइड कर चुके हैं कि आगे क्या करना है अपार्ट फ्रॉम शादी शादी के अलावा डिसाइड कर चुके हो कि हां सर हमें आगे चल के ये करना है कर चुके हो मी नो no. नो no वाले कर लो भाई कुछ डिसाइड कर लो जिंदगी में कुछ डिसाइडेड रहता है ना तो आगे बढ़ना आसान होता है तो आप कुछ डिसाइड कर लीजिए अगर वो डिसीजन में जे और नीट आता है तो दो ऑप्शन बचता है कि भैया कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जो अभी सिर्फ बोर्ड करेंगे लाइक like, सर हमें बोर्ड बस पढ़ा दो और हमें और कुछ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं आप बोर्ड पे ध्यान दो ये आपके लिए नहीं है जो ऐसा बच्चा है जो बोर्ड पढ़ने के बाद उसके पास इतना टाइम बचता है कि नहीं सर अब मैं कुछ और भी पढ़ सकता हूं आई डू हैव टाइम वो बच्चा है और नीट के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर सकता है उसके लिए वेदांतों में कोर्सेस हैं और उस कोर्स का नाम है फाउंडेशन कोर्स फाउंडेशन का मतलब कि आपको टेंथ में अगर आप टेंथ के हो तो आपको टेंथ में जे डबल ई या नीट के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा ठीक है तो ये कोर्सेस कैसे हैं अभी तो लेने का टाइम नहीं है बिकॉज अगर अभी तुम लोगे तो एक साल का पूरा पैसा देना पड़ेगा दैट इज समथिंग अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कोई मतलब नहीं बनता है तो अभी बड़ा सिंपल सा है कि भैया अभी तुम एक महीने का कोर्स लेके देखो वन मंथ और वन मंथ वाले कोर्स में यह है कि एक महीना दो महीना तीन महीना जितना तुम्हारा मन करे पढ़ के देखो अगर ठीक लगे तो अगले साल मन बनाना लेने का अगर ठीक नहीं लगे तो ठीक है जयराम जी की ना हमें मतलब ना हमें आपसे मतलब हम आपको बांध के रखेंगे ना आप हमें बांध के रखोगे एक दो महीना जो तुमने पढ़ा ज्यादा पैसे भी नहीं जाएंगे दो तीन हजार रुपए लगते हैं तो ये एक बुद्धिमानी वाला फैसला ले सकते हो कि भैया एक दो महीने तीन महीने पढ़ के देखा अच्छा लगा तो बढ़िया कंटिन्यू कर लेंगे पूरे एक साल का कोर्स अगले साल ताकि आपको स्टार्टिंग से वो कोर्स मिले तो कम पैसे में हो जाएगा मतलब पैसा ज्यादा जस्टिफाइड होगा और अगर नहीं पसंद आया तब तो, तो एक ही दो महीने के बस गए हैं ठीक है अब आगे चल के आप डॉक्टर बन सकते हैं इंजीनियर बन सकते हैं और अगर डॉक्टर और इंजीनियर कुछ ना बने तो आगे बहुत सारे ऑप्शन कुछ भी बन सकते हैं आ, ये सारे फीचर्स हैं तो इन फीचर्स के बारे में आपको पता होगा तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं इस पर जो बच्चे बोल भी रहे हैं स्किप कर को, स्किप कर कर दो कोई बात नहीं मैं देता हूं। वाई चूज फॉर इसमें तो खैर कोई पूछने वाली बात नहीं है बिकॉज भाई अनु बेस्ट है ईयर दर ईयर हर साल दर साल वेदांतु का जेडब्ल्यू और नीट का रिजल्ट काफी अच्छा हुआ है तो मतलब द ग्राफ इज लाइक दिस एवर इंक्रीजिंग ग्राफ तो इसलिए जेडब्ल्यू और नीट के लिए तो आप वेदांतु को चुन सकते हो आंख बंद करके ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ सेलेक्शन भी हैं रिजल्ट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको बहुत सारे रिजल्ट है ठीक है तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं हाँ बस डिटेल में एक बात बोलूंगा तो आ, नीचे लिंक दिया हुआ है तो आप रजिस्टर कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बता दू देखो भाई फाउंडेशन का लिंक बता दे रहा हूं एक बार देख लो कहाँ गया ये है ये जो वीडियो है इसी में नीचे आ जाओ फाउंडेशन का लिंक बड़ा आराम से यहीं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है शो मोर अवेल एक्साइटिंग वेदांतु कोर्सेस वन ईयर जेडब्लू नीट फाउंडेशन दिख रहा है तो इसमें वन ईयर दिख रहा है बट आप लिंक क्लिक करोगे तो यहां पर वन ईयर का ही कोर्स है बट नीचे जाकर सिलेक्ट कर लेना वन मंथ वालाइट वाला। सब्सक्रिप्शन में इन क्लास डाउट सपोर्ट इसमें ट्वेंटी फोर सेवन डाउट सपोर्ट नीचे सेलेक्ट कर लेना ट्राई फॉर वन मंथ तो यहाँ पे टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहां पर थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड बड़ा सिंपल तरीके से एक महीने दो महीने पढ़ के देखो अच्छा लगेगा ठीक है तो वन मंथ का कोर्स लेकर देखो हाँ ले लिए सर लेना है अच्छा ले लेना भैया अच्छी बात है लेना है तो अब इसके बाद मैं मैं बस एक चीज बता रहा था कि अभी तुम्हारा टर्म वन क्रैश कोर्स चल रहा है और बहुत सारे बच्चों को टर्म वन क्रैश कोर्स की जरूरत थी तो ये टर्म वन का क्रैश कोर्स का लिंक भी यहां पे दिया हुआ है तो जो बच्चे सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं वो टर्म वन क्रैश में जा सकते हैं बिकॉज इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सोशल साइंस इंग्लिश छह सब्जेक्ट टर्म वन का पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा ठीक है तो इसका प्राइस 4500 और इधर 5500 में 4950 तो बड़े आराम से इसमें जा सकते हो और अच्छी बात यह है कि एक बैच अब इलेवेंथ अक्टूबर को शुरू होने वाला है इलेवेंथ बोले तो आने वाला मंडे तो आप अभी से इसमें एनरोल कर लीजिए डाउट सपोर्ट वगैरह पूरा मिलेगा ठीक बात और जो बच्चा बोर्ड कर लिया है या बोर्ड में कॉन्फिडेंट है उस बच्चे को मैं बोलूंगा और कुछ मत सोचो बोर्ड के लिए तो तुमने पढ़ लिया है अच्छी बात है अब कोई एक ओलंपियाड टारगेट करो या तो आईओ क्यूएम या तो एन टी एस सी मेरे को वैसे एक बार बता भी दो मैं हर सेशन में बोलता हूं कुछ असर पड़ रहा है तुम्हें से कितने लोगों ने आईओ क्यूएम या एन टी एस सी कुछ टारगेट उठाया है या दोनों उठाया है कि सर हम आईओ क्यूएम दे रहे हैं हम एन टी एस सी दे रहे हैं हम दोनों दे रहे हैं हम कुछ नहीं दे रहे हैं एन टी एस सी नो no. अरे राम 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 दोनों नो ये नो वालों का क्या करूं मैं अरे अच्छा 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 एक बात बस बता दो चलो ठीक है थोड़ी बातें कर लेते हैं आ, नो वाले क्यों नो मतलब कुछ भी नहीं देना है ना एन सी ना आईओ क्यों नो वाले बताओ भाई नो वाले बताओ क्यों नहीं देना है वॉट इज आई क्यू एम बेटा यूट्यूब में यहां पे सर्च करो आईओ क्यू एम हर्ष सर दिख जाएगा बोर्ड्स ओनली बोर्ड्स फोकस ऑन बोर्ड्स सेलेबस फेल हो जाएंगे फेल हो जाएंगे रुपीज आई जे डबल ई फेल हो जाएंगे ओनली बोर्ड्स बोर्ड्स नहीं हो पाएगा फियर ऑफ बोर्ड्स बोर्ड्स फियर सिर्फ बोर्ड्स करना है बोर्ड्स में पास करना है अरे बाप रे, सही में ये स्थिति है भाई बोर्ड्स में पास करने के भी लाले हो सकते हैं फेल हो जाएंगे अरे बाप रे, नॉट प्रिपेयर्ड मैनेज नहीं हो पाता अच्छा ओके ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं ठीक है जिससे मैनेज नहीं हो पाता मैं प्रेशर नहीं दूंगा मैं एक सेशन लेकर आऊंगा वैसे आपके लिए कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो सारी चीज़ें साथ में या आपको मैनेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए टेंथ में आपको बाकी सारे एग्जाम्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए वो मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा बट खैर जो लोग देना चाहते हैं जो डिटर्मिन हैं वो आई के इस लिंक पे जाके आई के लिए तैयार कर सकते हैं आई क्या है वो जानना है तो सर्च में जाके कर यहाँ पर लिख लेना आई हर्ष सर जैसे ही सर्च करोगे ये तुम्हारा वीडियो आ जाएगा इस वीडियो को पहले वीडियो को देख लेना ठीक है इसमें मैंने सब कुछ बताया है आई क्यू एम क्या है ठीक बात चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अब अगले सवाल की तरफ बढ़ी जाए हाँ जी थैंक यू प्लीज लीव योर फीडबैक अरे क्वेश्चन भी बचा है हैं ये क्या हो गया जाओ 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 क्वेश्चन कहाँ गया चाचा ये आपके बैच स्टार्टिंग डेट है तो जो भी बच्चा जिस भी बैच में जाना चाहता है इस बैच स्टार्टिंग डेट के कैलेंडर को रेफर कर लेना आपका बैच स्टार्टिंग डेट यहां दिख जाएगा अरे क्वेश्चन हाँ अभी अभी तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो चलिए तीन क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको निपटाते हैं अगला सवाल आपके सामने यह रहा सर इफ वी स्कोर मोर देन नाइनटी परसेंट देन 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 बेटा आई विल गिव यू मनी यह है क्वेश्चन ये शेडेड पोर्शन दिख रहा होगा अच्छा ये shaded portion है अगर आपको नहीं दिख रहा है केस तो ये वाला शेडेड पोर्शन है ठीक है इसमें बोल रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है आपसे ठीक है पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर लेना है और ओ ए दिया हुआ है हाँ ओ ए दिया हुआ है बस निकाल पाओगे सर नर्सिंग करनी है तो क्या करें शालिनी पढ़ाई करो बस अब निकाल पाओगे या फिर मैं मैं आप लोगों को थोड़ा मदद कर दूं हिंट चाहिए टुडे वाज माई मैथ एग्जाम गुड सर वेरी गुड सुकृति अच्छी बात है रेडियस रक्षण बेटा रेडियस आपको निकालना होगा सारे के सारे रेडियस पूछ रहे हैं मेरे से ही पूछ लो सब नालायक सब रेडियस आपको निकालना है अरे दिमाग लगाओ ना ये स्क्वायर है ये बीस होगा तो ये भी बीस होगा यहाँ से इसको अगर ज्वाइन कर देते हो तो देखो पाइथागोरस ये ट्वेंटी ये ट्वेंटी स्क्वायर है तो ये नाइन्टी डिग्री होगा ये ट्वेंटी ये ट्वेंटी पाइथागोरस से ओ भी आ जाएगा और तुम्हें नहीं लगता कि क्वाड्रेंट का रेडियस जो है वो ओ भी के बराबर होना चाहिए इतना हिंड दे दिया हूं मैं हैं सही सही करना है इस बार गलत मत कर देना जल्दी करो भाई करें जल्दी जल्दी करो रे कम ऑन डू इट फास्ट पढ़ो मत और फेल हो जाओ <laughs> तो देखो रेडियस बड़े आराम से ये ट्वेंटी 20, 20, तो रेडियस आपका निकल जाएगा यहां से ट्वेंटी रूट टू मैं कहा लिखू ट्वेंटी रूट टू मैं यहां पे लिख देता हूँ रेडियस आपका हो जाएगा ट्वेंटी रूट टू तो रेडियस आ गया स्क्वायर पता है आपको क्या करना है ये शेडेड पोर्शन निकालना है मतलब एरिया ऑफ क्वार माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर दैट्स इट बस सिंपल तो है जल्दी करो भाई आप जल्दी कर लो और सही सही बताना बस इस बार गलती मत करना ठीक है शुरू करें एनडीए एस्पिरेंट क्या हो गया मंथन भाई काये परेशान हो शुरू करें स्टार्ट करें फॉर बिजनेस परम परम क्या आगे नहीं दिख रहा है क्या किस चीज का बिजनेस कर रहे हो नहीं ममता सिंह सिंगी पता नहीं शुरू करें देख भाई तेरे को क्या करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई फोर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस करना है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मान लो ए की वैल्यू ट्वेंटी है दी हुई है ए का वैल्यू ट्वेंटी और आर का वैल्यू ट्वेंटी रूट टू आपको बस यही लगाना है ठीक है चलो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तो हेयर वी गो मेंटी का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शुरू होने वाला है ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर्थ ध्यान से देखो और सही जवाब देना बस जल्दी जल्दी शीघ्रति शीघ्र बी कर दो सब सौ रुपए का सवाल है अच्छा गाय कैसी है लाजवंती लाजवंती ठीक है मस्त भूसा खाती है और मजे से रहती है अपने खटाल में जल्दी जल्दी सही सही आंसर देना भाई लाजवंती मजे में है लाजो कैसी है एकदम मजे में है लाजो मेरी इस बार लाजो को संडे को मैंने खूब सारा भूसा दिया खाने को लाजो वॉज वेरी हैप्पी खूब पूछ हिला हिला के खाई है बचपन का प्यार मिला क्या सर नहीं यार नहीं मिला वो सब बचपन में छूट गया जल्दी जल्दी सही सही आंसर बताओ चलिए अब हम शुरू कर, मतलब अब हम भी थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं आप लोगों के लिए तो सारे लोग देखो भैया पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है बाई फोर माइनस ए स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर आर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो आर का स्क्वायर होगा चार सौ और दो आठ सौ एट हंड्रेड तो एट हंड्रेड बाई फोर टू हंड्रेड मतलब आंसर यहाँ पे जो बनेगा ये यहाँ लिख रहा हूँ ये बनेगा टू हंड्रेड पाई टू हंड्रेड पाई माइनस ए का स्क्वायर तो ट्वेंटी का स्क्वायर मतलब फोर हंड्रेड तो 200 हंड्रेड पाई माइनस फोर पाई की वैल्यू बोल रखी है इसने 3.14 तो 3.14 पॉइंट वन फोर इंटू टू हंड्रेड तो छ सौ अट्ठाईस सौ माइनस चार सौ आंसर दो सौ आंसर दो सौ अट्ठाईस सबको समझ में आया <coughs> सर मैथ्स में ट्वेंटी बाई ट्वेंटी वेरी गुड ओ भाई साहब इस बार बचा रे बाबा एकदम मार्जिन से बच रहा हूँ अच्छा लग रहा है एकदम मार्जिन से बचाऊ 87 परसेंट बहुत बहुत बढ़िया 90 परसेंट नहीं हुआ नहीं तो सौ रुपये चले जाते वैसे पचास रुपये तो अभी भी गए चलो दैट्स ग्रेट तालियां हो जाए सबके लिए वेरी गुड 330 थर्टी प्लस फिफ्टी रुपीज़ आपने इसमें कमाए 380 एट्टी रुपीज़ टोटल हो गए आपके <coughs> बहुत बढ़िया दैट्स ग्रेट पचास रुपये के लिए तालियां बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार शानदार यो यो बहुत बढ़िया थ्री एटी रुपीज आप लोगों ने कमा लिया तो आज का सेशन भी आपका खाली नहीं गया पैसे तो मिल ही गए कुछ कुछ चलो आगे बढ़ते हैं <coughs> ये कितनों को समझ में आया जल्दी बताओ ये कितनों को समझ में आया जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ यो यो जय बाबा जी कृष्णा रक्षित आयुष नीलेष तेजस एकांश स्वयं द मास्टर हाई सर हाई स्वयं प्रियांशी निकुंज आई हैव फ्री तत्व और सवाल पीडीएफ लॉल अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बिल्कुल बेचो हम तो कहते हैं दुकान शुरू कर दो कुछ तो पैसे आएंगे अब देखो पढ़ाई लिखाई में कितनी उम्मीद है पता नहीं ऐसे ही पैसे कमा लो हैं चलो आगे बढ़े ये ये समझ में आया सबको जल्दी बताओ ये सबको समझ में आया ट्वेंटी रूट टू रेडियस था सॉल्व किया सिक्स ट्वेंटी एट आया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 628 माइनस फोर हंड्रेड सबको समझ में आया टू ट्वेंटी एट चलिए आगे बढ़ते हैं फिर ये हो गया बी अब है ये पांचवां सवाल ध्यान से देखो भैया यहां पे आपसे बोला है फिर से शेडेड पोर्शन शेडेड पोर्शन ये वाला है बेटा ये वाला है शेडेड पोर्शन दिख गया ये है शेडेड पोर्शन तो आपको करना क्या है पूरे स्क्वायर में से एक दो तीन चार चार क्वाड्रेंट माइनस करने हैं ये पूरा स्क्वायर है स्क्वायर में से एक दो तीन चार चार क्वाड्रेंट माइनस कर दो काम बन जाएगा और डायमेंशन क्या दिए हुए ट्वेंटी एट सेंटीमीटर मतलब ये ट्वेंटी एट का है पूरा तो अगर ये पूरा ट्वेंटी एट का है तो बेटा आधा कितना होगा फोर्टीन ये भी फोर्टीन मतलब रेडियस फोर्टीन हो गया क्या हो गया रेडियस फोर्टीन सत्यवचन आयो कूल है अरे बिल्कुल बिमला जी बहुत कूल है भावना मेंटी कोड अभी दिखा देंगे बेटा सर एक बार मेरा नाम ले लो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और इसका नहीं क्या था मैं पढ़ नहीं पाया ओ यू करके कुछ था जल्दी जल्दी सारे लोग सॉल्व करो भाई और सही सही आंसर लगाइए बेटा आपको शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए एरिया स्क्वायर G नी स्क्वायर यार एरिया स्क्वायर माइनस माइनस एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स फोर क्वाड्रेंट्स ठीक है जल्दी जल्दी सॉल्व करो हो गया शुरू करें मेंटी शुरू करो एरिया स्क्वायर क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर साइड स्क्वायर तो 28 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट तो फोर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई फोर शुरू करें चलिए स्टार्ट करते हैं तो हियर वी गो फिफ्थ क्वेश्चन सारे लोग ध्यान से सही सही आंसर लगाना भाई बहुत ही जरूरी है एट नाइन जीरो फाइव डबल फोर चलो मैं तब तक सॉल्व भी कर दूं थोड़ा टू सेवेंटी सेवन बच्चों ने आंसर दिया अभी तक जल्दी जल्दी करो भाई थोड़ा बहुत मैं आपकी मदद कर देता हूं तो 28 का स्क्वायर है ये 28 का स्क्वायर माइनस फोर एन टू पाई आर स्कवाई फोर क्योंकि अट्ठाईस स्क्वायर, 4. ये 4, ये 4 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर आर क्या है फोर्टीन तो ट्वेंटी एट स्क्वायर देखो आंसर क्या बनेगा ट्वेंटी एट स्क्वायर ट्वेंटी एट स्क्वायर माइनस पाई इंटू फोटीन स्क्वायर फोर्टीन स्क्वायर ऐसा अब आपको सॉल्व करना है बस तो ट्वेंटी एट स्क्वायर रहने दो माइनस पाई के जगह पर डालो ट्वेंटी टू बाई सेवन इन्टू फोर्टीन स्क्वायर मतलब फोर्टीन इंटू फोर्टीन बड़ा सिंपल तरीके से ये दो बार में कटेगा यहाँ से फोर्टीन और ये फोर्टी फोर ट्वेंटी एट स्क्वायर कामन ओमन लो आंसर निकालो चौदह कॉमन आएगा नहीं चौदह क्या ट्वेंटी एट आ जाएगा तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 28 एट कॉमन आ जाएगा बचा 28 एट माइनस ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी टू आंसर हो गया ट्वेंटी एट इंटू सिक्स ट्वेंटी एट इंटू सिक्स आठ सौ अड़तालीस ये वाला आंसर आ गया सी वन सिक्सटी एट कितनों को समझ आया कितनों को समझ आया जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया ओ भाई साहब थ्री फोर्टी सिक्स में टू नाइन्टी फाइव एटी फाइव अबे तुम लोग मतलब मजाक ही मजाक में नाइन्टी परसेंट नहीं ला रहे हो लेकिन हर क्वेश्चन में एट्टी फाइव प्लस ले आ रहे हो बे कितना पैसा हो गया मेरा ओ भाई बहुत सारे पैसे ले दिए मैंने तुम्हें कितना हो गया थ्री एट्टी थ्री एटी था कितना था थ्री थर्टी प्लस फिफ्टी हाँ थ्री एट्टी था ओ भाई साहब फोर थर्टी हो गया अरे भाई तुम लोग तो धीरे धीरे करके बहुत सारा पैसा निकाल निकालिए हैं हैं प्यार प्यार से मदम मदम से सौ रुपये नहीं जीत रहे हो लेकिन हर बार पचास रुपये जीत जा रहे हो गजब ही कर दिए हो अब रुको भाई थोड़ा थमो हैं मतलब मैं खुश हुए जा रहा हूं कि चलो नाइन्टी नहीं है नाइनटी नहीं है लेकिन हर बार एटी फाइव भी ले आओगे तो पचास 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 करके पैसे तो निकल ही गए अच्छा मचा दिया चलिए बहुत बढ़िया अच्छी बात है तालियां हो जाए आप सबके लिए वेरी गुड फैंटेस्टिक तो टोटल अब बच्चे फोर थर्टी रुपीज पे हैं दैट्स ग्रेट फेंटेस्टिक आगे बढ़ते हैं लीडर बोर्ड देखते हैं जरा कृष्णा रक्षित आयुष देखें इसमें ऊपर नीचे है क्या लग तो नहीं रहा है कृष्णा आयुष रक्षित प्रियांशी निलेश निकुंज राघव ओसवाल स्वयं अमेरिका में कौन सा हॉस्पिटल पता नहीं आगे बढ़ते हैं अब देखो भैया ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ ये सबको आंसर समझ में आया ट्वेंटी एट इंटू सिक्स आया कैसे सबको समझ में आया पहले चैट बॉक्स में बताओ हाँ ना सबको आया पक्का ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया यस ठीक है इधर अगर किसी को कोई गड़बड़ हुई है तो यहाँ से देख भी सकते हो भैया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो क्वाड्रेंट का क्या है बड़ा सिंपल सा तरीका होगा कि क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई फोर होता है तो लिखोगे और आपके पास चार क्वाड्रेंट हैं है ऐसे। तो ट्वेंटी माइनस पाईआर स्क्वायर आर की वैल्यू फोर्टीन दी हुई है बस आपको यही सारे वैल्यूज डालने वन सिक्सटी एट आ गया ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया आंसर अब आखिरी सवाल आपके सामने आने वाला है ये रहा आखिरी लास्ट क्वेश्चन सारे लोग ध्यान से अकाउ इज टाइड ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 20 एंड 16 मीटर्स तो ये देखो भैया ये है रेक्टेंगुलर फील्ड और इसमें लाजो बंधी हुई है फूलमती बनी हुई है लाजो को नहीं बंद हुआ चलो फूलमती बंधी हुई है फूलमती को लगी भूख तो अब मुद्दे की बात यह है कि हमने फूलमती को सिर्फ चौदह मीटर का रस्सी दिया है तो अब यहां से ये तो ट्वेंटी है ये सिक्सटीन है लेकिन जो फूल है वो सिक्सटीन है हाँ लेकिन जो फूल है वो सिर्फ चौदह फोर्टीन मीटर का रोप लेंथ लेके घूम रही है तो आपको बताना है कि कितना घास चर पाएगी फूलमती ठीक है तो ये कितना घास यहां से चर पाएगी मतलब लाइक क्वाड्रेंट का एरिया रेडियस आपको पता ही है आपको बस निकालना है लगाइए दिमाग और सही सही जवाब दीजिएगा सर टुडे शुरू करें ए लगाओ अच्छा शुरू करें अच्छा चलिए शुरू करते हैं शुरू करें जल्दी बताओ यस हियर वी गो सिक्स क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सारे लोग ध्यान से देखिएगा और सही जवाब दीजिएगा आपके पास टाइम है आपको यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है रेडियस दिया हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है ठीक है जल्दी बिकॉज ये जो ग्रेजिंग एरिया है ये क्वाड्रेंट होगा बेचारी फूलमती चलो <laughs> खैर जल्दी जल्दी सारे सही सही आंसर लगाओ और सही सही आंसर लगाना हम्म hmm. और भाई जिन जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सब्सक्राइब बटन इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको चैनल का हर एक अपडेट मिलता रहे ठीक है चलो भैया तो यहाँ पे एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाई फोर पाई की वैल्यू है बाईस बटा सात और वन बाई फोर भी है और रेडियस का स्क्वायर मतलब फोर्टीन इंटू फोर्टीन फोर्टीन इंटू फोटीन तो सात इसको कैंसिल करेगा दो बार में टू विल कैंसिल इट इन टू टाइम्स टू विल कैंसिल इट इन सेवन टाइम्स सेवन और ट्वेंटी टू तो सेवन इंटू ट्वेंटी टू इफ आई एम नॉट रॉन्ग वन फिफ्टी फोर बनता हुआ दिख रहा है मुझे वन फिफ्टी फोर बनता हुआ दिख रहा है देख ले फाइनल हाँ वन फिफ्टी फोर इनका भी आया है बस इतना ग्रेजिंग एरिया मिलेगा तो so, चलिए देखें जरा कितने सही है थ्री टू वन हियर वी गो ओ भाई साहब बचा कि गया 320 में 30 बचा लेकिन बचा नहीं पचास रुपये तो ले ही गए तुम लोग गजब है यार गजब है 85 प्लस पे तो बहुत सारे बच्चे पैसे ले जा रहे हैं चलिए तालियां हो जाए फाइनली आप लोग 480 पे क्लोज कर रहे हो आज का दिन वेरी गुड यार फैंटास्टिक बहुत बढ़िया शानदार शानदार तो अंत भला तो सब भला आखिरी सवाल में भी आप लोगों ने जीत लिया पैसे और अब आपका फाइनल स्कोर फोर एट्टी है तो finally you people have made it count 3 uh, 320 से 480 मतलब 160 rupees का गेन पर इस सेशन में दैट्स ग्रेट कमेंडेबल जॉब वेरी गुड फैंटास्टिक चलो तो अब बात कर लेते हैं लीडर बोर्ड की लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सबको समझ में आ गया होगा आई होप सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिन-जिन बच्चों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया कर दीजिए वीडियो लाइक कर दीजिए दूसरा अगर आपको कुछ भी मुझसे कहना हो कुछ सजेशन चाहते हो या मुझे कुछ बताना चाहते हो तो कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है कमेंट बॉक्स इवन आप अपने फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बताइए कि सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ठीक है और जो जो बच्चा बोर्ड्स तैयार कर रहा है वो तो टर्म वन के क्रैश कोर्स में जाए जो बच्चा बोर्ड्स नहीं तैयार कर रहा है या फिर जिसका बोर्ड तैयार हो चुका है या जिसको बहुत ज़्यादा डर नहीं है मैं हर उस बच्चे को बार बार सजेस्ट करूंगा कि बेटा आप कोई ना कोई कंपटीशन वाला एग्जाम उठाओ कंपटीशन वाला एग्जाम एग्जाम जहां पे सिर्फ मैथ्स का होता है जो मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी देंगे इसको और जो नहीं इंटरेस्ट रखते हैं वो तो इसको हर हाल में देते हैं क्योंकि इस एग्जाम के लिए तैयारी करने से आपका मैथ्स में इंटरेस्ट जाग जाता है ठीक है और दूसरा एग्जाम है एन नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ये स्पेशली उन बच्चों को जरूर देना चाहिए जो आगे चल के यूपीएससी गवर्नमेंट सर्विसेज एन ऐसे एग्जाम्स के लिए अस्पायर कर रहे हैं बिकॉज एन में सोशल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है और जब आप अभी अच्छे से एस पढ़ते हो तो आगे चल के आप एन ए में एस में आर्मी में डिफेंस में सिविल सर्विसेज में आप बहुत अच्छा करते हो तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जो बच्चे आगे चल के ऐसा कुछ गवर्नमेंट सेक्टर एम कर रहे हैं उन बच्चों को एन देना चाहिए ठीक है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं हमारे शूरवीर जो दोनों एग्जाम दे रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो बट अगर दो नहीं भी दे रहे हो तो एक एग्जाम तो देना बनता है बॉस एन क्या है आपको पता है अगर नहीं पता हो तो आप लिख लेना एनटीएससी हर्ष सर मैं सारा इंफॉर्मेशन दिया हूं वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आपको आई नहीं पता है तो भी आप सर्च कर लीजिएगा आई यू क्यूएम बाई हर्ष सर ठीक है इन दोनों के लिए कोर्सेज अभी वेदांतों में चल रहे हैं अच्छी बात यह है कि एन के लिए तो कल ही शुरू हुआ है एक कोर्स फोर्थ अक्टूबर को एक बैच शुरू हुआ है इसमें आपको एन का पूरा पढ़ाया जाएगा सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ्स बायो सोशल साइंस सब कुछ और इवन मेंटल एबिलिटी आईओ में मैथ्स सिर्फ पूछा जाता है तो आपको पूरा मैथ्स पढ़ाया जाएगा तीन महीने के लिए और बहुत ज्यादा मजा आता है मतलब इसके लिए तो मैं पर्सनल गारंटी दे सकता हूं कि लिटरली यू विल फील लाइक वाओ दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे तुम ठीक है चलिए तो ये आईयू क्यूएम का भी लिंक सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैं आपको दिखा भी देता हूं बड़े सिंपल तरीके से ये जो वीडियो चल रहा है इसी वीडियो में आपने नीचे आना है आप जैसे ही नीचे आओगे आपको इसी वीडियो में दिख जाएगा वेदांतु क्लास नाइन्थ एंड टेंथ एक्साइटिंग वेदांतु कोर्सेस पहला लिंक है आईयू क्यूएम क्रैश कोर्स जो इसको क्लिक करेगा ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का कोर्स है तीन महीने पढ़ाया जाएगा थ्री मंथ का क्योंकि नाइन्थ जनवरी को एग्जाम है और इसका अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप लिख लीजिए आईओ क्यू एम रजिस्ट्रेशन टू थर्टी रुपीज में फॉर्म फिलअप होता है ठीक है ये आईओ क्यूएम का कोर्स है पूरा आईओ क्यूएम में आपको हर रोज सॉरी एक हफ्ते में ट्यूजडे थर्सडे और फ्राइडे सिक्स थर्टी से एट ओ क्लाक तक पढ़ाया जाएगा सिर्फ तीन दिन हफ्ते में और बहुत ही मजेदार सेशंस होते हैं मजेदार अल्टीमेट अगर एक आध दो छूट भी जाए तो रिकॉर्डिंग तो, तो रहेगी रहेगी ठीक है 2500 का कोर्स है यहां पे प्राइस टू ट्रिपल सेवन दिख रहा है लेकिन 2500 का है ठीक है और एन टी एस सी जो चाहते हैं एन टी एस सी का, तो तो का क्रैश कोर्स दिख जाएगा कल ही एक बैच शुरू हुआ है तो आप इसमें जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें ठीक है इसका जो प्राइस है दैट इज ट्वेंटी सेवन हंड्रेड तो मैंने देखा ही नहीं भाई एन के प्राइस ड्रॉप हुआ है ये ये मुझे नहीं पता था एन टी ए सी का प्राइस ड्रॉप हुआ भाई देख लो ट्वेंटी सेवन हंड्रेड पहले ये फोर थाउजेंड नहीं फाइव थाउजेंड का था फोर्टी फाइव हंड्रेड का अच्छा ये अभी भी फोर्टी फाइव हंड्रेड का है लाइट वाले का प्राइस ड्रॉप हुआ है हाँ लाइट वाले का प्राइस ड्रॉप हुआ है इतना कम यार कैसे भाई इधर सेवेंटी थ्री परसेंट ऑफ इधर फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ गजब भाई ये क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ गलती वलती की है क्या है लो क्योंकि इन दोनों में सिर्फ 500 का ही अंतर रहता है जनरली पता नहीं बट अभी मिल तो रहा है ट्वेंटी सेवन एक मिनट देख लेता हूं मैं बाई हो रहा है हाँ भाई बाई भी हो रहा है गजब सही है बेटा सही डील पा गए तुम तो। लोग तो आप एन का क्रैश कोर्स ट्वेंटी में ले सकते हो जो कि अभी कल तक शायद कल नहीं परसों तक कल मैंने देखा नहीं था लेकिन कल तक जहां तक मुझे पता है कल तक ये फोर थाउजेंड का था फोर फोर्टी फाइव हंड्रेड का एन में कितने सब्जेक्ट्स हैं सर केशव सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सोशल साइंस मेंटल एबिलिटी ऑल सिक्स ठीक है चलो भाई तो ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया अब आपको लीडर बोर्ड दिखा देता हूं फाइनली कि भैया लीडर बोर्ड में कौन बच्चा धमाल मचाया है तो हेयर वी गो लेट सी द लीडर बोर्ड लगता है कृष्णा सोनी जी टॉप मारे हैं है, है? चलिए सोनी जी वेरी गुड फेंटेस्टिक एक नंबर से बेचारा आयुष रह गया तालियां हो जाए कृष्णा जी के लिए वेरी गुड यार फैंटास्टिक बहुत बढ़िया तो गुड एफर्ट गाइस और कीप इट अप इसी के साथ मस्ती से पढ़ाई करते रहो जोश में बने रहो अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करो और मेरे साइड से कोई भी दिक्कत मतलब कोई भी हेल्प की जरूरत हो कोई भी दिक्कत महसूस करो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना आई एल रीच आउट टू यू ठीक है इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं मुलाकात करेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए टेक केयर गुड नाइट बाय 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 कोई बच्चा यार बच्चों जो जो भी डाउट पूछ रहे हो ना यहाँ चैट बॉक्स में मैं सबका डाउट का जवाब नहीं दे पाऊंगा तो आप ऐसा करो कि नीचे डाउट लिख दो सर इज आई स्टैंडर्ड नहीं बेटा एनी वन कैन गिव स्टैंडर्ड और बेसिक से कोई फर्क नहीं पड़ता अदीबा एनी वन कैन गिव आईओ क्यू एम आईओ क्यू एम कूल है सर मैं फैन हो गया आईओ क्यू एम का वेरी गुड बिमला थैंक्स अलॉट फॉर दिस लवली फीडबैक हॉस्पिटल है क्या अमेरिका में कौन सा हॉस्पिटल में पैदा हुए थे बेटा मैं विंस्टन चर्चिल हॉस्पिटल चलो बाय 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 चलो बाय बाय